काशी में प्रवासियों के खान पान की होगी विशेष व्यवस्था, इन व्यंजनों का लेंगे स्वाद। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में आने वाले प्रवासियों को काशी के साथ भारतीय खान पान मिलेगा। इस कार्यक्रम में तकरीबन 130 देशों के प्रतिनिधियों के आने की उम्मीद जताई जा रही है। खान पान की पूरी तैयारी विदेश मंत्रालय की देखरेख में होगी। किसी 5-स्टार होटल को खाने का इंतजाम करने को कहा गया है। बनारस में मौसम के हिसाब से जनवरी में मलयोग खास होता है। इसके अलावा उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय, पूर्व और पश्चिम के राज्यों के खान पान का इंतजाम किया जा रहा है। प्रवासियों को काशी के खान पान से का स्वाद चखाने की पूरी तैयारी है। जलेबी, कचौड़ी, लस्सी, ठंडई के साथ साथ मशहूर मिठाइयों का स्टॉल लगाया जाएगा। इसमें मलाई गिलौरी, मलाई चाप खास होगा। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, दक्षिण भारतीय खान पान का पूरा प्रबंध किया जा रहा है। हर प्रांत का कोई न कोई व्यंजन यहाँ रखा जाएगा। सुबह से नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। इसका मेन्यू विदेश मंत्रालय को फाइनल करना है। कोई भी खान पान तब तक नहीं परोसा जाएगा जब तक उसकी जांच खाद्य सुरक्षा प्रशासन न कर ले। 21 जनवरी को आयोजन सुबह 9:30 बजे से होगा। पहले सत्र में नॉर्वे के सांसद हिमांशु गुलाटी और न्यूजीलैंड के सांसद कंवलजीत सिंह बख्शी शामिल होंगे। इसी दिन BHU में छात्रों संघ संवाद का भी आयोजन किया जाएगा। शाम को सांस्कृतिक आयोजन के बाद रात्रि भोज की मेजबानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। 22 जनवरी को सुबह 10 बजे से सत्र प्रारंभ होगा। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, CM योगी आदित्यनाथ, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मॉरीशस के PM प्रविंद जुगनाथ संबोधित करेंगे। दिन भर के आयोजन के बाद रात्रि भोज की मेजबानी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज करेंगी। 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से विविध विषयों पर वैश्विक मंथन का दौर चलेगा। दोपहर में राज्यपाल मंच पर लोगों की मेजबानी करेंगे। शाम को प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया जाएगा। इसके बाद अगले दिन प्रयागराज और नई दिल्ली के आयोजन में शामिल होने के लिए प्रवासी भारतीय रवाना होंगे।